देखिए किसी किसी आपको मीडिया अथी पर मैक पर नहीं कह रहा था फलना है हमारा भैया, मैक पर नहीं कह रहा था, पूछ रहे थे तो हमारा नाम नहीं बोल रहा था, एकांत में बोला था। एकांत में है, एकांत में बोला है, इसे नहीं बोला कहा कि जो है वो नेताजी है। हमने कहा चलो हम इसे अकेले बात करेंगे भाई, जब जहाँ सम्मान की बात आएगी तो हमारे कुछ नेताजी तो कह रहा है ना कि बात समझाने गया तो ये बात आ गया। एक बात है जैसे कि उनके परिवार के लोग ठीक है ना, ये आरोप लगा रहे तो है बात करने दो, मिनट पर्सनल बात है ना भाई, बिरादरी में तो है वो लोग आरोप लगा रहे हैं आप पे कि ऐसी बात है। तो हमने कहा नहीं भाई, एक लड़की का पक्ष जो है भाई, उनके जो है नेता जी हैं, एक लोगों से मेरे बात हुई है तो हम लाज भाई जब रहे हैं तो भाई झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो क्या मैटर था कोई सच्चाई क्या है। सच्चाई अभी तक नहीं, वो रिजल्ट आएगा हमारा उस बात की, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा ना तब खुलेआम आप लोग के सामने रख लेंगे अपना, ये हो दोषी चाहे जो दोषी है। हम लोग अपने सब वहाँ कह रहा था हमको भी हाथ है, कोई बता रहा है कि आपका भी है, वो तो जानेंगे भोलेनाथ तो अब हम गुना में रख देगा तो सलाह केस तो तुरंत हल्का होगा, कितना को रखेगा रखे ना। ये पहले तात्पर्य की जो पंकज हत्या हुई है तो वहाँ पे लाश कहीं पहुँची गई थी, अब ये नहीं बताएंगे कैसे पहुँचा, लेकिन उसको जो है ना उसको तो उसी का गांव का मर के टन है, ये तो तय है उसी गांव का ही। हाँ उसी के गांव का, गाँव का तो कोई दुश्मन होता नहीं, दुश्मन है नहीं, वो अपने रिजल्ट आने दीजिए ना रिजल्ट तब निकले। हम तो उसके पिता कह रहे हैं कि किसी से कोई दुश्मन है तो कोई बात भी आज कुछ नहीं होता था, मोबाइल रिकॉर्ड निकलेगा ना सब बीमारी आ जाएगा, वो तो है जब मोबाइल रिकॉर्डवा निकलेगा तब ना उसको बीमारी हमारा नाम देता है या कि किसका नाम है, तब ना गांठ फटना उल्टा फंसना स्टार्ट होगा। आरती कितना उड़ रही थी आ धीरे धीरे अब उल्टे काहे जा रही है, इसलिए अभी हम धीरज रखे हुए हैं। मीडिया हाईलाइटेड हो रहा है ना, देखिए आपका भी पक्ष हो रहा है उनका भी पक्ष हो रहा है, तो इसमें सच्चाई पता चलना चाहिए ना, सच्चाई है क्या। सच्चाई अभी तक नहीं आया है, वो जब आएगा वो अकॉर्डिंग होगा। तो उसके घर के जो परिवार के वो है दुश्मन है तो उन्हीं के गांव के परिवार के वही बिरादरी के हैं क्या, वही बिरादरी का उसको घर में हमको जो मिला मैसेज, अब लेडीज बोल रहे थे लेडीज पर उतना हम लोग भरोसा नहीं करते हैं कि किसी के घर में लोग गलत काम करते पकड़ाया था। अच्छा वो उधर है लड़का छः गो सात गो लड़की से बात करा था, मेरे बूढ़ो बोल रहा था कुछ सात गो लड़की से बात करता था वो पंकज, तब ना कॉल डिटेल निकलेगा कहाँ कहाँ बात हो गई है, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, कई 22 साल का था तो रही बात है कि जब इस बात का गया था तो इसके गाँव के लोग सब जानता है, घर में घुसा था किसी ने, हमको तो लगता है वही ना जो बूढ़ा बोला था कि घर में घुसा में तो वही गलत काम पकड़ाया, गलत काम बनाई धन के लिया था वह सब जानता था, बस उसी में उधर खत्म करके इधर ठीक गया ताकि ये फंस जाए, धमकी दिया ये फंस गया बीच में साथ। बात हमको तब ये बेचारा उस दिन नहीं था, वो कीर्तन में था उजियारपुर में, तो अच्छा नाम उसको पता है का नाम है जिसके घर में घुसा था जो मारा है उसका नाम, किसको नहीं पता है किसी को नहीं, वही सुराग हम भी लोग ढूंढ रहे हैं, बाबा बाबू भी ढूंढ रहे हैं, हाँ वो खुफिया एजेंसी लगा दिया, वो भी कह रहे हैं कि जल्द 2 से 4 दिन में आया बस सटासट उठ जाएगा आदमी, वो भी लगे हैं SP साहब उस दिन आए तो वो भी यही कहे थे, उस दिन भी हमारा नाम बोल दिया, वो नाम बोल रहा है क्या पता है, 10,000 आदमी था उसको मैंने अकेले चेकअप कर दिए, बात से हो जैसे हो समझा के हो बुझा के हो रोक दिए, इसी लिए कहा सला इतना आदमी को वैल्यू नहीं किया प्रशासन के साथ, 10,000 आदमी के साथ आपका कितना सम्मान कम हुआ होगा, 10,000 आदमी के सामने कितना सम्मान कम हुआ होगा। सम्मान की अभी मेरा पूरे थाना से लेकर जिला तक बड़प्पन चलता है, वो लड़का नहीं रहता था चार चार गुलाह से जाता, उनको साथ दिया है तब कहेगा नाम दे दे तो बड़े बाबू कह जाओ नाम दे दो, कॉल डिटेल निकलता है घर में बस जाएगा उल्टा जाना आ सब निकलेगा तुम जाएगा। आज बोल रहे थे थाना पर कि जहर भी खाया हुआ था जहर खाया तो बड़ी है ये जगह, आ वो टांगा है कौन मादर छोर
पता जहर खाया था तो जहर खिला के टांगने वाला है, सीधे कहता है कि फांसी पर लटका दिया, जहर खा लिया तो तेसर मर लेगा कि नहीं, तो जहर खाएगा तो मरेगा, जमीन पे गिरेगा ना, तो उसको लटका कैसे? इसका मतलब है कि जहाँ खाया वो लोग इसको टांग के फंसाएगा, आ जाएगा रिया दो चार दिन में फिर आप हम कहेंगे, कहे कि हम तो बड़ा उससे मिले हुए हैं तो उसको तो हम सारा बात होगा तो हम भी बताएंगे वो भी बताएंगे, जितना प्रतिनिधि है हमारा इधर का यही भाजे लगाने में कि निर्दोष ही है तो दोषी है कौन, वही दोषी का पता लगाना है ये सब क्या है, अगर दोषी का पता चल जाएगा तो ये जो परिवार है जो विखंडन हो रहा है जो इतनी इज्जत बेइज्जत हो रहा है ये तो कम से कम बचेगा, वही लिए तो हम लोग देखिए आप तो ऐसे ढूंढ दिया जाए तो बहुत आदमी बुलाता है कुछ कुछ बोल देता है उधर कुछ बुलवा लेता है, एक से नए हम देखे हैं आज लड़की नए है कल था तो उसको रोक करके मनीष नाम का लड़का था क्या मनीष नाम था चांदा तो वो कहता था उसको शाम में हम आए हैं तब स्टेटमेंट दिलवाए नहीं था ये चंदन नाम का लड़का चंदन जो पटना से कहीं से चल गया था कहता है डीएम भाई हमारा ये रिजल्ट देखते हैं तो हम कहे भाई ठीक है आराम से रहिए तो उसको कहा शाम में करवाए तब तो कल हम भी तो आए थे हम बैठ लिए हम स्टेटमेंट लिए हमको ये लग रहा है कि देखिए इसमें किसी आपको मीडिया अथी पर मैक पर नहीं कह रहा था फलना है हमारा भी मैक पर नहीं कह रहा था पूछ रहे थे तो हमारा नाम नहीं बोल रहा था एकांत में बोला एकांत में एकांत में बोला है इसे नहीं बोला ताकि जो है वो नेता जी हैं हमने कहा चलो हम उनसे अकेले बात करें भाई जब जहाँ सम्मान की बात आएगी तो हमारे कुछ नेता जी इसमें है जाने बोले नाथ यही तो बताइए कि ना कि जो फंसाया जा रहा है ये उसको है कौन जब अगर ये आ जाएगा रे दो चार दिन तो जब जहाँ खाया था तो उसमें पोस्टमार्टम निकला है हाँ हूँ आप बोल रहा है कि ऐसा लग रहा निकला है जोहरे का जहाँ से पूरा खजाना था कैसे आज थाना पर पता था तो कोई दिया होगा भगवान माने ये भी नहीं बताएंगे देखिए हम साधु संत झूठ हमने बोलना पसंद करते अभी हम आपको सुनने बात बताए हैं रिजल्ट जो आएगा वो आप लोग के सामने रख दिया जाएगा एस पी साहब इतना बुर्वक छोड़े हैं वो अपना छोड़े हुए हैं आदमी को सिविल में भी जांच में है वो लोग सिविल में भी है चल रहा हाँ चल रहा है उसको फिर पहचानवे नहीं करेगा कहेगा अलबट रहा है घुसल जा रहा है धीरे धीरे रिपोर्ट निकल जाएगा वो भीख मांगते पहुँच जाएगा वहाँ तक वापस फिर वो तो है प्रशासन का है भाई चारों दिशाओं में बुरा बहुत सियाना है हमको हम कहे कि सब तो सलाह हमारे भैया दो मिनट अभी भैया बात कर सब काम वो पकड़ लेंगे अपने हम लोग भी जान चाहते हैं जो दोष ये निकल गया ये तो होगा ना कि कहेगा ना कि फलना नेता भी था तो निर्दोष को बचाया दोषी को लाया हमें लिए मर है आप लोग को भी बेटे होगा तो उछलेगा कि भाई दोषी बचा दोषी बचा नहीं या निर्दोष फंसा देखिए निर्दोष जो होगा उसको सजा नहीं होगी जो दोषी होगा उसको होगा ना बिल्कुल वही हम लोग हम लोग का वही है कि हम लोग ये ढूंढ रहे हैं कि मारेगा देश के दिन है कि टांग देगा ना उसको मार के इतना पकड़ा रात को है सी सी टी वी कैमरा लगा रखा था सब घोड़े मार दिया वहाँ से पूरा फूटो जाता है रोड पर रहता कि नहीं रहता कोई रिस्पॉन्स से नहीं लेता है यहाँ पर बगल में 12-1 बजे तक ही टीवी चलाते रहता है सब आदमी था वो सब कहता है कोई भले नहीं वो कहता है 2 बजे में इनके परिवार को मतलब कोई नहीं किया है ना इनका परिवार का उन्हीं जो है ना उनके ही परिवार का होगा कोई ना कोई उसका गांव के है कुछ भी हट के उसी के गाँव के दो तीन गो लड़की से बातचीत करता था कुत्ता उसी के घर पर 3 बार गया था हम लोग को तो शक उसी दिन हम दरोगा जी को कह लगे लड़की का तो किस तरह घर है उसका उसके घर से आगे है उस बीच में चाल है बीच को ही टोल है तो नाम जानते उसके पिता का नहीं पिता के नाम हम नहीं जाने छे हमें गांव में ओकरा ही नहीं टोल झूठ पर रहो ला जो जो पानी टंकी है उधर तो पानी टंकी नहीं है छत पे कन्या बिचवा में लेकिन देखियो हम तो हनुमान जी से नहीं करे जा पा रहे बता दें लेकिन
उस दिन जो हम साथ दे दिए ना दरोगा को, बड़े गो था ये लोगों गाली गलो से चढ़ गया लोग, तो हम लोग रोके बस वो लड़का लेकर के रोके कि देखो भाई अगर अब एगो तो मर गए, अब अगर तू आज लड़ाई फंसा दे दूगो चार गो लहा से गिर तो फंसते लड़का के बाप, अब फंसते नहीं लड़की वाला हमारा तोरा कुछ नहीं देगा। अरे दुआरे हाथ जोड़ के विनती है कोई आदमी गलत स्टेप नहीं उठा, कुत्ता के मांग कर कुत्ता भी प्रशासन हम लोग जितना नेतागण से मना रह लिया धैर्य धोकर रह, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होगा, कौन गलत बोले इसीलिए वो लोग है कि काहे बोले। अब बताइए भला हम कह दे कि लड़के मर जाओ, नेता का भी चाहेगा चाहे आप हो चाहे कोई कोई चाहेगा कि लड़के मर जाओ, वो चाहेगा हर संभव बचे और क्या है ना, सही है वही ना बोलेंगे। बताइए आप भी कह रहे हैं बराबर वही कह रहे हैं कि दस आदमी से गया था उनको नाम नहीं लिया थाना नहीं लिए, कह रहे खेल में अगर टोपी आ गई तो जिस चीज़ को कहेगा उसको दे देंगे, इसलिए कि जो सही है उसका हम लोग भी इंतजार थोड़ा गोईठा में भगवान धर दिए हैं, धीरे 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 वो ला देगा है ना, विश्वास हम लोग भी दिलाते हैं आपको नहीं सच है ना, उसको लाना जरूरी है नहीं होगा कल था कि हम स्टेटमेंट दिलवाए वो तो है नेता नेते का जो है आपको भी कहा लेकिन आपको अथी के सामने नहीं कहा अलग लेके इसीलिए देखो हमारे परिवार के हैं इसलिए मैं आपको बता दिया ना, तो मैं बताते नहीं ठीक है ना, खाना घर को हत्या के अभियोग में अभी